दोस्ती में पड़ती नजर आ रही है फूट। नेपोटिज्म के बाद राहुल ने एक बार फिर से साधा जान शानू पर निशाना। जान शानू और राहुल वेद के बीच घर में एक अलग ही जंग छिड़ चुकी है। कभी नेपोटिज्म को लेकर जान पर सवाल उठाए गए और घर के अंदर अब राहुल जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। जान, राहुल, निकी और पवित्रा अब घर के रेड जोन एरिया में कैद है, जहाँ उन पर मंडरा रहा है नॉमिनेशन का साया। रेड जोन में जाते ही निकी जान का हाथ पकड़ती नजर आ रही है तो कभी उन्हें गले लगाती नजर आ रही है, जिसे देख कर हो गई है राहुल को प्रॉब्लम और एक बार फिर से साधा है राहुल ने जान पर निशाना। राहुल कहते हैं जान से कि कुमार शानू के बेटे को ये सब शोभा नहीं देता। राहुल की ये बातें सुनकर घर के अंदर एक बार फिर से सुनाई देंगी डॉली बिंद्रा का वो फेमस डायलॉग, जहां जान कहेंगे कि बाप पर मत जाना और होती नजर आएंगी इनके बीच हाथ हपाई। इतना ही नहीं, निकी और जान के बीच दूरियों की वजह बनते नजर आएंगे राहुल वेद्य, जहां जान निकी से कहेंगे कि तुम देखो तुम कैसे चिपक रहे हो, आपको क्या लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, आपको एक पकड़ कर चलना होगा, आप एक पकड़ कर चलो, दो जगह पर मत रहो। जहाँ राहुल जान को छेड़ते नजर आएंगे और उन्हें कहेंगे छिपकली, जिसके बाद कर दी राहुल ने अपनी हद पार और जान से कहते हैं कि लड़की बनना छोड़ दे। जहाँ निकी कहती है कि वो लड़का ही है, लेकिन राहुल कहेंगे कि मुझे नहीं लगता। लेकिन जान भी कह देंगे राहुल को बायला। जान कहते नजर आएंगे कि बायला कौन है ये, मुझे लड़की बोलने वाला। वहीं निकी से कहेंगे कि गलत को सपोर्ट मत कर। जहाँ लड़की का मुद्दा खड़ी कर देगा राहुल और नैना के बीच भी एक नई जंग, जहाँ नैना राहुल को सुनाएंगी खूब खरी खोटी। नैना कहेंगी कि क्या लड़कियां कमजोर होती है, लड़की बनना गलत होता है, तू बन जा लड़की, क्या पता थोड़ा अच्छे से गेम खेल ले। घर के अंदर राहुल के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं सारा घर। बिग बॉस के घर के अंदर राहुल के खिलाफ होता नजर आ रहा है पूरा घर। वहीं राहुल के फैंस कर रहे हैं उन्हें बाहरी दुनिया में काफी सपोर्ट। #WeStandForRahul कर रहा है ट्रेंड। क्या जान और राहुल के बीच के झगड़े घर के अंदर बढ़ते ही जाएंगे? आपको क्या लगता है राहुल और जान में से कौन है सही और कौन है गलत? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।